नमस्कार, अपने व्यस्त जिंदगी के सिर्फ कुछ मिनट मेरे साथ चलिए, कुछ सोचिए, अपने खुदा को, खुदा में अपने आप को जरा परखें। मैं कभी कविताएं, कभी कहानियां, तो कभी किसी सोच से आपको यीशु मसीह से जोड़े रखूंगी, सिर्फ कुछ मिनट। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। सुना मैंने, कहते लोग, यीशु कौन? पुत्र है तो पिता कौन? अगर पुत्र है तो तुम क्यों पिता बुलाते और कभी पवित्र आत्मा के नाम से पुकारते? एक ही सच्चा परमेश्वर जिसने रचा इस दुनिया को, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के मेल में बसा जो, कहकर कि मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुरूप में बनाए, शरीर मन और आत्मा से उसे सजाए। यही मनुष्य आज सवाल पूछ रहा, तू आत्मा है तो शरीर में कैसे ढला? वो मनुष्य नहीं जो खुदा होने का ढोंग रचा, वो खुदा है जो मनुष्य को समझाने मनुष्य बना। पवित्र शास्त्र ने बताया, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वही वचन जीवन और ज्योति था। यही वचन फिर देहधारी हुआ और हमारे बीच रहा, फिर पुत्र इम्मानुएल गुरु रब्बी तो कभी मसीहा कहलाया। जिसने पुत्र को देखा उसने पिता को देख ही लिया, क्योंकि पिता पुत्र में ही तो बसा। मैंने फिर सुना, लोगों ने ये कहा, यीशु तो सालों पहले इस दुनिया में रहा, फिर संसार किसने बनाया? अरे, यही तो अभी मैंने समझाया, पिता में ही तो पुत्र समाया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने मिलकर बनाया।